जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो पहला T20 मुकाबला खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो उस मुकाबले के दौरान कौन से वो 10 बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी जरूर दंग होने वाले हो। और वही दोस्तों, यहाँ पर आप सभी पहला वाला रिकॉर्ड जाने बिना कहीं भी मत जाइएगा। तो दोस्तों, आप सभी इन रिकॉर्डो को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वही दोस्तों, यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है के बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, क्या अगला मैच खेलेंगे रविंद्र जडेजा, सामने आया इस खिलाड़ी का बड़ा बयान सामने, जानकर आपको भी होगा दुख। तो दोस्तों, इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि भारतीय टीम में शामिल होंगे रोहित शर्मा, BCCI के अधिकारियों ने दिया अपडेट, इस दिन पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कैनबरा के मैदान पर पहला T20 मुकाबला खेला गया, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। तो वहीं आज शुरुआत में भारतीय टीम की बल्लेबाजी कुछ ज्यादा खास नहीं रही थी, जहां पर 92 रनों के स्कोर पर ही भारत की पूरी आधी टीम वापस पवेलियन लौट चुकी थी। और 17वें ओवर तक भारत की टीम ने महज 114 रन ही बनाए थे। और हार्दिक पांड्या के रूप में टीम को छठा झटका लगा था, जहां पर रविंद्र जडेजा ने फिर पारी को ऐसा संभाला जिसके बाद टीम इंडिया को सीधा जीत की तरफ ही उन्होंने बढ़ा दिया। जी हां दोस्तों, आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपने 20 ओवर खेलते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। और भारत की तरफ से जो सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी की वो करी रविंद्र जडेजा ने, जहां पर जडेजा ने नवाद रहते हुए 23 गेंदों में 44 रन बनाए और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया था। तो वहीं दोस्तों, जडेजा की इस तूफानी बल्लेबाजी के दम पर 162 रनों के जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम बस मात्र अपने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 150 रन ही बना सकी। और भारत की टीम ने इस मुकाबले को पूरे 11 रनों से अपने नाम किया। तो वहीं दोस्तों, आज के इस मुकाबले में अगर भारतीय टीम को शानदार जीत हासिल हुई है तो उसका ज्यादा श्रेय गेंदबाजों को भी जाएगा, क्योंकि आज के इस मुकाबले में जिस तरह से टी नटराजन और युजवेंद्र चहल ने गेंदबाजी करी वो काबिले तारीफ थी। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल करी। तो आइए चलिए, अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आज के इस मुकाबले में कौन कौन से वो 10 बड़े रिकॉर्ड हैं जो कि टूटे हैं। तो आइए चलिए, अब जानते हैं 10वें रिकॉर्ड के बारे में। तो दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में 10वां सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि आज के इस मुकाबले में जब 5 ओवर तक एरन फिंच ने 27 रन बनाए थे, तो वह इसी के साथ T20 क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 431 रन अब बना लिए और इसी के साथ कॉलिन मुंड्रो का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। तो भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा T20 रन बनाने का रिकॉर्ड पहले कॉलिन मुंड्रो के नाम पर था, उन्होंने 426 रन बनाए थे, लेकिन अब एरन फिंच ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। तो इन दोस्तों, अब आगे बढ़ते हम बात करें 9वें रिकॉर्ड के बारे में। जो 9वां बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि 7वें नंबर या फिर इससे नीचे खेलते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में जडेजा ने तमाम भारतीय बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया। जी हां, साल 2012 में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ 38 रन की पारी खेली थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 44 रनों की पारी खेलते हुए जडेजा ने धोनी के 8 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और एक आज नया कीर्तिमान अपने नाम किया। तो वहीं चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं 8वें रिकॉर्ड के बारे में। जो 8वां बड़ा रिकॉर्ड आज के इस मुकाबले में टूटा वो ये था कि आज शानदार गेंदबाजी करवाने वाले युजवेंद्र चहल ने अपने T20 करियर में 50 से ज्यादा विकेट लेने का भी कारनामा कर दिखा दिया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हम बात करें अगले रिकॉर्ड के बारे में। जो अगला बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि आज के इस मुकाबले में टी नटराजन ने 3 विकेट लेने के साथ ही अपने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 3 विकेट के रिकॉर्ड को हासिल कर लिया है और वो डेब्यू मैच में 3 विकेट लेने वाले एक गेंदबाज भी बन गए हैं। तो वहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हम बात करें अगले रिकॉर्ड के बारे में। जो अगला बड़ा रिकॉर्ड आज के इस मुकाबले में टूटा वो ये था कि आज KL राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा करते ही अपने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का 12वां अर्धशतक लगाया। और वहीं दोस्तों, बात करें अगले रिकॉर्ड के बारे में। जो अगला बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि आज शिखर धवन ने अपने नाम में एक शर्मनाक रिकॉर्ड कायम करा। जी हां दोस्तों, शिखर धवन ने 2019 से लेकर 20 तक के सीजन में अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में शर्मनाक प्रदर्शन कर दिखाया और यही सिलसिला आज के इस मुकाबले में भी उन्होंने जारी रखा। तो वही बात करें दूसरे बड़े रिकॉर्ड के बारे में। जो दूसरा बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि आज के इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने अपना 50वां T20 मुकाबला खेला और इस मुकाबले में उन्होंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर बनाया। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने आज से पहले 44 रनों की पारी T20 इंटरनेशनल में नहीं खेली थी, जिसके चलते आज
आज उन्होंने ये मुकाम हासिल करा। और वहीं अब आगे बढ़ते हम बात करें पहले रिकॉर्ड के बारे में। जो पहला बड़ा रिकॉर्ड आज के इस मुकाबले में टूटा वो ये था कि मेनुका ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगातार दूसरी बार हराने के बाद भारतीय टीम ने एक नया इतिहास रच दिया है। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को मेनुका ओवल स्टेडियम में कोई भी टीम नहीं हरा पाई थी आज से पहले, और ये कारनामा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही भारतीय टीम ने कर दिखाया, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ा रिकॉर्ड है। तो ऐसे में दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इन रिकॉर्डों को जानने के बाद आपकी क्या राय है रविंद्र जडेजा के बारे में, और आप रविंद्र जडेजा को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, क्या अगला मैच खेलेंगे रविंद्र जडेजा, सामने आए इस खिलाड़ी का बयान। दोस्तों, टीम इंडिया ने पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से हरा दिया, और इसमें पहले बल्लेबाजी करने वाले रविंद्र जडेजा का एक बड़ा योगदान रहा, जिनकी बदौलत टीम 161 के स्कोर तक पहुंच पाई। ऐसे में दोस्तों, यहां पर जब संजू सैमसंग पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान आते हैं तो उनसे पूछा गया क्या रविंद्र जडेजा दूसरे T20 मुकाबले में उपलब्ध रहेंगे, तो उन्होंने कहा इसके बारे में उन्हें कोई आश्वस्त नहीं है, हमें जड्डू भाई को देखना होगा वह कैसा महसूस कर रहे हैं, और इसके बाद हम फैसला लेंगे कि जडेजा की जगह कौन खेलेगा। हालांकि अभी इस पर कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि रविंद्र जडेजा अगला T20 मुकाबला खेलेंगे या फिर नहीं, लेकिन अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या अगला T20 मैच रविंद्र जडेजा को खेलना चाहिए या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। और वहीं पहली पारी में भारत ने जडेजा के 44 रन की बदौलत 7 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए थे। तो 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 150 रन ही बना सकी, और लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि आज के इस मुकाबले बल्लेबाजी में केएल राहुल ने अपने 4 ओवर फेंकते हुए मात्र 25 रन ही दिए और 3 बड़े अहम विकेट हासिल किए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम को सीरीज के पहले ही मुकाबले में हार का स्वाद चखना पड़ा है। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि आज के इस मुकाबले में एरन फिंच एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने थोड़ी अच्छी पारी खेली, 26 गेंदों में 35 रन बनाए। हालांकि बाकी कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ भी ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाया, जिसके चलते आज का ये मुकाबला तो भारतीय टीम जीत गई। लेकिन उसके बाद जब ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान एरन फिंच को मैदान पर बुलाया जाता है और उनसे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान, तो वो कुछ उखड़े उखड़े से नजर आते हैं, और इस दौरान वो कहते हैं कि आज का मैच काफी ज्यादा मजेदार था, हमें उम्मीद थी कि हम पहला T20 मुकाबला जीतकर जरूर भारतीय टीम को इस सीरीज में पीछे रखेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।